भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस 4 चैप्टर 19th वर्स यस्य सर्वे समारंभः कामसंकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम आहु पंडितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम्। नेक्स्ट वर्स नित्यतिप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ओके, भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ओके, लेट्स डिस्कस व्हाट्स हैपनिंग हियर। ओम अज्ञानातिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक्चुअली यही रखना पड़ेगा। सो भगवान यहां पे कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभ। यस्य मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब जिसका कौन, जो भी कोई आप काम करते हो, सर्वे समारंभ, कोई भी काम करते हो, सर्वे मतलब कोई भी काम करते हो और उस काम को शुरू करता है कोई व्यक्ति। हम काम करते हैं तो काम में शुरुआत भी होती है, बीच होता है, अंत होता है, ऐसा होता है नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि काम शुरू जब कर रहे हो उस पर ध्यान रखना, क्योंकि एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर अंत होना आपके हाथ में नहीं है। जैसा बीज होता है वैसा फल होता है, पेड़ होता है। सो आप बीज बो गए फिर उसके बाद आपके हाथ में नहीं है, फिर तो आपने आम का बीज बोया तो आम का फल होगा, नीम का भी बीज बोया तो नीम का फल होगा, वो डिपेंड करता है। सो डिपेंड करता है सीड क्या डाल रहे हो, बीज क्या डाल रहे हो। सो कृष्ण कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभा, कोई भी आप प्रयत्न करो, प्रभुपाद समारंभ को कह रहे हैं प्रयत्न, उद्यम, कोई भी एफर्ट लगाओ, कोई भी प्रयत्न करो। सेवा में हम प्रयत्न करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कुछ भी करो एक चीज जरूर ध्यान रखना, वैसे तो बहुत चीजें ध्यान रखनी होती हैं मगर एक चीज जरूर ध्यान रखना वरना फंस जाओगे, और वो क्या है, काम संकल्प वर्जित। तीन शब्द है, काम प्लस संकल्प प्लस वर्जित। कोई भी काम कर रहे हो उसमें ध्यान रखना कि उसमें काम का संकल्प नहीं होना चाहिए। काम का संकल्प मतलब भोग का संकल्प, दैट्स ऑल। तो हम कुछ भी काम करते हैं उससे पहले संकल्प लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप, स्क्रिप्चर्स में लिखा है, मान लीजिए आप जप कर रहे हो तो शास्त्रों में लिखा है कि जप करने से पहले, ट्रेडिशनली वैसे तो हम लोग नहीं करते,
मगर अगर आप गायत्री जप करो, जैसे गायत्री करते हैं लोग, ब्राह्मण लोग संध्या वंदन, तो जब गायत्री करते हैं कोई भी वैदिक मंत्र बोला जाता है तो उससे पहले आचमन लिया करा जाता है। आचमन, घास बैठते हैं मैट पे, आचमन करते हैं और उस आचमन के साथ एक संकल्प लिया जाता है हमेशा कि हम किसके लिए कर रहे हैं। जैसे हमने अभी यज्ञ नहीं किया था बद्रिका आश्रम में, तो पहले संकल्प लिया था हमने, आचमन किया फिर संकल्प लिया। क्या लिया? तो उन्होंने, उसने पूछा था, वो नहीं था वो नरसिंह राय का लड़का जो था वेद पढ़ रहा था, तो उसने पूछा कि आप क्या संकल्प लेना चाहते हो? तो मैंने बोला कि भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए। तो उसने बोला ठीक है, आचमन लिया, उन्होंने बोला हाथ में लो और बोलो कृष्ण प्रीति अर्थम, और फिर पानी छोड़ दिया। तो किसी भी वैदिक क्रिया में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी व्रत में, जैसे एकादशी व्रत करते हैं हम सुबह उठते हैं तो सुबह तिलक लगाने, तिलक आचमन करते हैं, तिलक लगाते हैं और तिलक लगा के फिर हम संकल्प लेते हैं कि आज हम एकादशी हरि की संतुष्टि के लिए करने जा रहे हैं, ये संकल्प लेके पानी छोड़ते हैं। ऐसे किया जाता है ट्रेडिशनली। तो कृष्णा कह रहे हैं चलो ये तो एक प्रोसीजर है वैदिक यज्ञों में, एकादशी में, व्रत में। कृष्णा कह रहे हैं हर काम में ऐसा होना चाहिए, हर काम में। आप कुछ भी काम शुरू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या संकल्प होना चाहिए? कृष्ण प्रीति अर्थम, कृष्ण की प्रीति के लिए कर रहा हूं। और फिर करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बोल दिया। कृष्ण की प्रीति के लिए कार खरीद रहे हैं आप, पूजा कराने गए, लोग करते हैं ना, आते नहीं पूजा कराने, आते हैं पंडित ने पूजा वूजा की, वो बनाते बनाते कुछ हैं चावल डालते हैं, फिर पूजा घर आके चलो इंडिया गेट चले पहली बार, पहली राइड। नाउ दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर, वो संकल्प नहीं है फिर, वो तो फिर क्या कहेंगे उसको, विकल्प है यूं कह लो, वो विकल्प है, वो किसी तरह कोई प्रोसीजर कर दिया, दैट्स ऑल। सो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, एटलीस्ट एटलीस्ट शुरू करने से पहले कुछ तो ध्यान रखें हम, क्योंकि वरना हम गलत चीजों में फंस जाएंगे। और ये ध्यान रखने से हमें फायदा भी होगा कि हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो भगवान की प्रीति के लिए नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि ये काम हम भगवान कृष्ण प्रीति अर्थम कर रहे हैं, तुम्हें पता भी होना चाहिए कौन सा काम भगवान को प्रीति देगा कौन सा नहीं करेगा। हमें थोड़े ना कर सकते हैं कि हम संकल्प लें ओम केशव ओम नमः ओम माधव नमः कृष्ण प्रीति अर्थम, मैं शराब भगवान की प्रीति के लिए पी रहा हूं स्टार्ट हो है, दैट्स कंप्लीट क्रेजी। बंगाल में करते हैं लोग, मछली खाते हैं, है नहीं, किसके लिए? भगवान की प्रीति के लिए। ठीक है, गलत है, क्योंकि भगवान को अच्छी नहीं लगती। भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए भगवान की प्रीति किसमें है, वो भी बात है। तो उसके लिए फिर क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए ज्ञान। इसलिए यहां पे क्या शब्द कर रहे हैं, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। उसके लिए ज्ञान चाहिए, नॉलेज। क्यों नॉलेज चाहिए आपको, क्यों जरूरत है? हम काम से पहले बोल देंगे कृष्ण की प्रीति के लिए हम कर रहे हैं। वेल, नॉलेज इसलिए चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कृष्ण की प्रीति किसमें। हम कृष्ण की प्रीति के लिए प्याज खा रहे हैं, लो कृष्ण की प्रीति के लिए आज सिनेमा देखने जाएंगे हम लोग करते हैं बाय द वे, लोग सैंपल है सब इंडिया में, तो बाहर भी, यहां पे थोड़े ज्यादा है वहां पे थोड़े कम है, मगर है सैंपल है सब। सो ज्ञान, नॉलेज चाहिए। नॉलेज के बिना भगवान की प्रीति के लिए कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं। आपको क्या पता कि भगवान की प्रीति किसमें है, वो कैसे पता लगेगा? अब या तो भगवान आके बताएं आपको, नहीं, या खुद से पता लग जाए, वो भी नहीं हो सकता।
ना भगवान बता सकते हैं। सो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। कृष्णा कह रहे हैं मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, कृष्णा कह रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे, फॉर एग्जाम्पल, भगवान की अपनी चॉइस भी है, प्रेफरेंसेस हैं, दैट्स ऑल। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनको कुछ भावनाएं अच्छी लगती हैं, नहीं उनको अपने भक्त अच्छे लगते हैं, ही हैज हिज चॉइस। सो ज्ञान, नॉलेज चाहिए, और ज्ञान अग्नि, दैट्स द होल पॉइंट। ज्ञान अग्नि, कृष्णा कह रहे हैं नॉलेज ही नहीं, कृष्णा कह रहे हैं ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है अग्नि? मतलब अग्नि, आप अग्नि समझते हो फायर, फायर मीन्स लाइट, हीट, नहीं मतलब ज्ञान कैसा होना चाहिए? प्रज्वलित ज्ञान, मरा हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए। एक मरा हुआ ज्ञान भी होता है, एक प्रज्वलित ज्ञान भी होता है। मरा हुआ ज्ञान वो होता है जो ज्ञान केवल ज्ञान के लिए लिया जाता है, प्रज्वलित ज्ञान वो होता है जो ज्ञान लिया जाता है अप्लाई करने के लिए। दैट्स द होल पॉइंट देयर, अप्लाई करने के लिए नॉलेज ली जाती है। सो अगर आप जैसे आप गीता में पढ़ो कि ओके ठीक है, हम सत्य बोलना चाहिए, तो उसको प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल, इमीडिएटली प्रैक्टिस करना चाहिए उसको, तब वो ज्ञान प्रज्वलित ज्ञान है, अदरवाइज तो मरा हुआ ज्ञान है। जैसे हमने सुना कि भी ऐसे भगवान का नाम जप करना चाहिए, ठीक है करेंगे, ओके कितनी माला करनी है? तो कम से कम 16 माला, ठीक है आज से हम 16 माला करेंगे। सो डिले क्यों करना है किसी भी चीज में? जो सुना है करो बस, बिना हेजिटेशन के, कब भगवान चाहते हैं तो हम करेंगे, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है 16 माला आने में, बट एट द सेम टाइम मतलब जरूरी नहीं है कि आप 16 माला एक दिन में कर लो, बट टारगेट तो होना चाहिए। यस वील डू इट, उसको बोलते हैं ज्ञान अग्नि। कृष्णा कह रहे हैं नॉलेज में एप्लीकेशन की पावर होनी चाहिए। हमें मंगल आरती में उठना है, यस कल से उठेंगे, लिखा है मंगल आरती में उठना है, उठेंगे, दैट्स ऑल, नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स, जो भगवान ने कह दिया वो करना है। अगर इस प्रिंसिपल से चलोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि क्या है कि जो मरा हुआ ज्ञान है उसको आप लोगे तो क्या हो जाएगा? मरी हुई चीज डालोगे अंदर तो क्या होगा? आप भी मर जाओगे, और कुछ ही नहीं होगा, दैट्स ऑल, इट्स यूजलेस, बेकार है वो। सो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ऐसी नॉलेज से, अब ऐसी नॉलेज कहां से मिलेगी कि हमें सबको अच्छी तरह पता लग जाए, अप्लाई कर सकें? वो तो एक डिवोटी से मिलेगी जो अप्लाई कर रहे हैं, वरना आपको समझ नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल भगवान कह रहे हैं कि कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, शांति, शमो दमो तपा शौचम, क्षमा मतलब माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब क्या हो कि मैं पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, आप क्या कहते हो, फिर मैं बताऊंगा। What do you say about that? क्या हो गया? कुछ तो मतलब होगा, माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल वर्ड्स में कुछ बता सकते हो आप? सिंपल वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज, माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, मेरे डिवोटीज का माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। ओके हम डिवोटीज हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो माइंड डिस्टर्ब ना होने का मतलब क्या है? सुख दुख में विचलित ना, ओके गुड, ये एक लेवल है, सुख दुख में विचलित ना हो, ठीक है। और कुछ? दैट्स गुड। और कुछ? सो वेल, अब मैं बताऊं आपको, इसके आगे आंसर शायद आएगा नहीं, अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे तो नहीं आएगा, एप्लीकेशन कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा आपको। मैं, या जितनी एप्लीकेशन कर रहे हो उतना ही गहराई में आंसर में जाओगे, ये बात है।
अब डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है, सुख दुख में विचलित नहीं होना, दैट्स गुड। अब सुख दुख में विचलित नहीं होने का मतलब क्या है? ठीक है, कह सकते हो एक एंगल में। हाँ, सुख दुख में विचलित नहीं होना, इसका मतलब ये कह रहे हो? हाँ, सुख दुख में विचलित नहीं होने का मतलब है चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसका मन भगवान में लगा रहेगा, हटेगा नहीं। दैट्स ऑल, मतलब सुख उसके मन को भगवान से हटा नहीं पाएगा, है नहीं? मतलब आपको न्यूज़ मिली कि भाई आपकी लॉटरी खुल गई 50 करोड़ की, खुशी तो होगी नहीं, लड्डू तो फूटेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है आप खुश नहीं होंगे, बट वो खुशी आपके माइंड में इतनी नहीं चढ़ेगी कि आप भगवान की सेवा भूल जाओ, आप चैंटिंग करना छोड़ भूल जाओ उस दिन 16 वाला, नहीं नहीं भी चैंटिंग तो कंप्लीट करनी है, 50 करोड़ की लॉटरी खुल गई चलो ठीक है, बट मतलब चैंटिंग कंप्लीट करनी है, ये सीधा पॉइंट दिया। तो अपनी सेवा आपकी चलती रहेगी और दुख में भी सेवा चलती रहेगी, कोई दुनिया का कोई इतना बड़ा सुख नहीं है, कोई इतना बड़ा दुख नहीं है कि आपकी सेवा रुक जाए, आप भगवान को भूल जाओ, उसको कहते हैं सुख दुख में विचलित नहीं होना। ठीक है, ये एक लेवल हो गया डिस्टर्ब नहीं होना, मगर अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना डिस्टर्ब नहीं होना डिस्टर्ब नहीं होना, तो उसका मतलब क्या है? उसका एक और मतलब हो गया कि आप अपनी इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उसका क्या करोगे? ये तो बाहर की चीज है ना, फिर अंदर, अंदर भी तो आ रही है इच्छाएं, अपनी इच्छाओं से डिस्टर्ब होना बंद हो जाओगे। अब इसको पता लगाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इच्छाएं आपकी दुश्मन है, वरना जो ऑर्डिनरी आदमी है, ये जो पहला आंसर है ना सुख दुख से डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ये तो ऑर्डिनरी आदमी को भी समझ आ जाएगा, है नहीं? अगर हम कथा करेंगे पंडाल में, इतने सारे लोग आए, हम कहें अभी सुख दुख में डिस्टर्ब नहीं होना, यस बहुत अच्छा है बाबा, बट दूसरा आंसर समझ नहीं आएगा उसको कि अपनी इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होगा, जो भक्ति नहीं कर रहा उसको कहेगा ये क्या मतलब है? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? कहेगा इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मेरी इच्छा है मुझे पूरी करनी है, और इच्छाओं से डिस्टर्ब, इच्छाओं को पूरी ना करना एक बात है, इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होना वो एक दूसरी बात है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ इच्छाएं गलत हैं जो हमारे अंदर आ रही हैं अपने आप, जो भगवान को अच्छी नहीं लगती। अब वो बात है, इच्छाएं आ रही हैं बहुत सारी, मगर ज्ञान से हमें पता है कि कुछ इच्छाएं भगवान को अच्छी नहीं लगती, फिर भी आ रही है, उससे डिवोटी डिस्टर्ब हो जाता है, ये इच्छा क्यों आ गई, ये तो भगवान को अच्छी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल वैष्णवों से द्वेष, अब वो तो आ गया, अब एक डिवोटी डिस्टर्ब हुआ क्यों आ रहा है मेरे अंदर, कृष्णा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो डिवोटी, एक डिवोटी उससे भी डिस्टर्ब नहीं होता, अगर मान लीजिए उसमें इच्छा आ गई वैष्णवों से द्वेष करने की, कोई द्वेष आ गया अपने आप, वो तो अपने आप ही आता है ना, द्वेष द्वेष का कोई लॉजिक तो होता नहीं। तो फर्क ये होता है नए डिवोटी एडवांस डिवोटी में कि नया डिवोटी डिस्टर्ब हो जाता है, हाँ ये क्या हो गया, या फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल काम वासना की इच्छा नहीं, माइंड डिस्टर्ब हो गया, अब ये लेना है वो लेना है, संसार की चीजें नहीं वो तो देखकर ये क्या हो रहा है मेरा माइंड को डिस्टर्ब हो गया। एक जो एडवांस डिवोटी है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो देखता है कि ये इच्छाएं आ रही हैं और चली जाती हैं, ये मैं हुई नहीं ना, मुझे कुछ लेना देना इससे। तो यमुनाचार्य भी यही कह रहे हैं, जब भी मेरे मन में कोई विचार आता है काम वासना का, तो मैं थूकता हूं उस पर, मतलब मैं आई डोंट लाइक इट एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, दैट्स अ होल पॉइंट। तो डिवोटी, ये एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो प्रैक्टिस करके ही समझ आएगा आपको, तो डिस्टर्ब नहीं होता, अपनी इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होगा। अब वो कैसे नहीं होना, वो तो प्रैक्टिस करके आएगा आपको कि इच्छाएं आ रही है, आप देखते जा रहे हो, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ना आप रोकने की कोशिश कर रहे हो,
ना लाने की कोशिश कर रहे हो, जो आएगा आएगा, जो जाएगा जाएगा। आप तो भक्ति कर रहे हो और आपको पता है अगर आप डिस्टर्ब हुए उससे तो फंस जाओगे, अगर डिस्टर्ब नहीं हुए तो आपकी भक्ति चलती रहेगी, भक्ति के प्रभाव से वो खत्म हो जाएगा। डिस्टर्ब किया इसलिए जा रहा है कि आप भक्ति ना कर पाओ और उसको खत्म नहीं कर पाओ। एक्चुअली जो दुश्मन, एक्चुअली जब जो कोई लड़ता है ना, ऐसे हम लड़ाई करते हैं जब, तो पता नहीं यहाँ पे किसी ने कुंफू कराटे सीखा है, किसी ने नहीं सीखा, ओके गुड। तो अगर आप जाओगे ना तो, मतलब मैंने सीखा था बचपन में, तो वहाँ पे जो हमें टीचर थे वो हमें बता रहे थे कि देखो लड़ाई में दो चीज़ें मेन है, एक तो है तुम डरो मत, दूसरा है कि मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, मतलब स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप्स प्रैक्टिस करते हैं हम, तो सिखा तो रहा हूँ मैं। उसने कहा स्टेप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम उस व्यक्ति को डिस्टर्ब कर दो, उसको डरा दो, डर जाएगा वो तो हार गया, वो बस जो डर गया वो मर गया। इसलिए कुंफू में क्या कहते हैं, चिल्लाते नहीं है, ब्रूसली को देखा वो कहते क्यों चिल्ला रहा है भाई, सभी चिल्लाते हैं नहीं। तो मैंने टीचर से पूछा चिल्लाते क्यों है, कहते हैं ये इस यही मेन चीज है कि वो डर जाए। वो ऐसे कार्टून में नहीं होता, एक बहुत बड़ा आता है व्यक्ति, एक पतला सा सीकड़ा सा आता है, चिल्ला वो डर डर जाता है, ही जस्ट डाइज। सो दैट्स अ होल आइडिया देयर। सो जो मन है आपको डराएगा, धमकाएगा, डिस्टर्ब करेगा, ये विचार देके, वो विचार देके, वो विचार देके, आप जो डर गया सो मर गया, अब भक्ति भक्ति खराब हो गई, भक्ति खराब हो गई, फिनिश हो गई। अगर आप डरे नहीं, आपने कहा ठीक है जो आने दो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं, मैं भक्ति करता रहूंगा, भक्ति करते रहे तो वो फिर बैठ जाएगा, वो फिर सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, आप हरा दोगे उसको, फिर इच्छाएं नष्ट कर सकते हो आप, वरना नहीं होंगी। सो ये डिस्टर्ब ना होने का दूसरा मतलब है। अब ये एप्लीकेशन से आता है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित नॉलेज से, प्रज्वलित ज्ञान मतलब अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज समझते हो ना, अप्लाई करने से, ठीक है। दूसरा मतलब है डिस्टर्ब नहीं होना, कोई और मतलब है डिस्टर्ब नहीं होने का? आप और अंदर जा सकते हो, ये तो एक लेयर थी सुख दुख से डिस्टर्ब नहीं हो, तो आपको समझ आ गया। हम और गहराई में गए तो हमें समझ आया अपनी इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होना, कि और गहराई में कोई जा सकता है? अंत नहीं है गहराई का, ये तो समुद्र है, तभी तो कह रहा हूं गीता समुद्र है। और किसी में हिम्मत है अंदर जाने की, या आइडिया भी है और अंदर जा सकते हो? इसको कहते हैं गीता, इसको कहते हैं एप्लीकेशन, इसको कहते हैं ज्ञान की अग्नि। सो वैसे वो पता है क्या, किस कुछ कुछ डिवोटीज के पास कैंडल है, किसी के पास लैंप है, किसी के पास माचिस की बत्ती है उस पर अग्नि जली हुई है खत्म होने वाली है, किसी के पास वोल्केनो है, वो खुद ही नहीं वो दूसरों को भी जला देगा अपने ज्ञान से, दूसरों को भी अफेक्ट कर देगा। सो अब और उतना ही डीप, आप जितनी कम अफायर होगी उतना ही कम रोशनी होगी, है नहीं, बस यही है ना। आप ज़्यादा अफायर करो ज़्यादा रोशनी होगी, ज़्यादा दिखाई देने लगेगा, तभी कम 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 आपकी नॉलेज है तो डिस्टर्बेंस आपको समझ आएगा, सुख दुख से डिस्टर्ब नहीं होना। ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा अग्नि है ज्ञान की, तो आपको पता लगेगा यस डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब और अंदर है, अपनी इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होना। और अगर नॉलेज है और लाइट है, अप्लाइड नॉलेज नॉट जस्ट, क्योंकि इसमें नॉलेज वैसे काम नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं होना उसके बाद और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसके बाद कहीं भी नहीं है, कोई है ही नहीं एक्सप्लेनेशन, पढ़ लो बस ये लिखा डिस्टर्ब नहीं होना क्षमा। अब वो एक्सप्लेन नहीं है यहां, वो तो अनलॉक होगा। अनलॉक समझते हो, अनलॉक कैसे कहते हैं, अनलॉक क्या होता है हिंदी में, वो रहस्य खोलेगा ये कह सकते हो, वो एप्लीकेशन से खोलेगा आपके अप्लाई करने से। ओके कोई और बता सकते हो और क्या मतलब है, और सूक्ष्म लेवल पे डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब क्या कहते हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे, वो तो हो गया ना, वही हुआ है, वही तो बताया है, बात वही है।
What do you say about that? वो तो वही बात हो गई, वो तो बोल चुके हैं, वही बोल चुके हैं, पहले ही आंसर होता ठीक है। अब आज ना जाके सोचना इस पे और अप्लाई करना, तो आपको समझ आएगा इसके और दो तीन मतलब है। अंदर जाने, अंदर जाओगे और मतलब है। या एक मतलब तो है जो मैं आपको बता सकता हूं, एक जो बहुत ही डीप मतलब है, एक डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब है कि उसके लिए आपको थोड़े अनुभव चाहिए वरना आप कर नहीं पाओगे। एक तो मतलब है कि जब डिवोटी डिस्टर्ब होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझे? ये भी है नहीं? सो हम कह रहे हैं डिस्टर्ब नहीं होना, तो डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब क्या है? कि हम उसका प्रयास करें कि कोई डिवोटी डिस्टर्ब ना हो, तभी तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये भी एक मतलब है। अब ये मतलब जब आप तक अप्लाई नहीं करोगे को पता ही नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग डिवोटीज, हम लोग इसलिए साथ में रहते हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। हम ऐसा कोशिश करते हैं कि डिवोटीज हमारे एक्शन से, हमारे विचारों से डिस्टर्ब ना हो, और अगर डिवोटीज डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, है नहीं? हम नहीं होंगे तो डिवोशन होगी, भगवान डिस्टर्ब नहीं होंगे, है नहीं? डिवोटीज डिस्टर्ब नहीं होंगे, भगवान डिस्टर्ब नहीं होंगे, भगवान डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं है। हमें तो तब डिस्टर्बेंस है ना जब भगवान डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये भी होता है डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब, कि मेरा भक्त कभी डिस्टर्ब नहीं होता, इसका मतलब है कि मेरा भक्त कभी दूसरों को डिस्टर्ब, वैष्णवों को डिस्टर्ब नहीं करता। नाउ दैट दैट्स ऑल्सो, ये तो ये सारी चीजें अप्लाई करके समझ आती हैं चीजें। ओके, डिवोटी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे भगवान को कोई ठेस पहुंचे, वो भी तो मतलब हो गया। सो डिवोटी कभी डिस्टर्ब नहीं होता, इसका मतलब डिवोटी कभी भी भगवान को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि डिवोटी का अपना कौन है? कृष्ण ही तो है। कृष्ण होंगे तो हम होंगे, इसलिए हम कभी भी भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते। सो ये सारे मतलब हैं और बहुत सारे मतलब हैं। अगर आप अगर आप यही सिर्फ प्रैक्टिस कर लो ना लाइफ में, तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। जितने भी गुण है ना, डिस्टर्ब, सत्य, दया, वो नीचे जाके सब एक ही साथ मिल जाते हैं, एक ही चीज है, वो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है एक ही चीज, गुडनेस है एक ही चीज। सो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम, उस ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर्मणाम, सारे कर्म दग्ध मतलब क्या होता है? भस्म हो जाएंगे। कर्म मतलब यहां पे है बेसिकली इच्छाएं, सारी इच्छाएं, सारी भोग की इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, जो कि बहुत मुश्किल है, पर प्रैक्टिस करने से पॉसिबल है, हो जाएगा। तम आहु पंडिता बुधा, कृष्णा कह रहे हैं मैं उसी को पंडित कहता हूं, क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है। मूर्ख काम करने के बाद सोचता है हाय मैंने क्या किया, ये मूर्ख होता है, पहले कर देता है फिर सोचता है। पंडित पहले सोचता है और फिर करता है। 99% लोग मूर्ख होते हैं, पहले करते हैं फिर सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो, पहले करते हैं फिर सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सुनने में ही गलत लग रहा है। तो कहोगे नहीं नहीं नहीं, आप अपने फ्रेंड से बोलो देखो पहले करते हैं फिर सोचते हैं, कहेगा नहीं चलो कल से मैं पहले सोचूंगा फिर करूंगा। क्या कर पाएगा वो? वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जनरली लोग अपने रिफ्लेक्सेस से काम करते हैं। रिफ्लेक्स समझते हो ना, किसी ने गाली दी, गुस्सा आ गया, अपने भी गाली दे दी, सोचोगे हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उस टाइम तो आप आउट ऑफ कंट्रोल थे, इसलिए लोग पहले करते हैं फिर सोचते हैं, क्योंकि उनको अपने पे कंट्रोल नहीं होता। डिवोटीज पहले सोचते हैं फिर करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने पे कंट्रोल आ जाता है, उनकी इच्छाएं खत्म हो गई ना, गलत इच्छाएं, क्रोध, काम खत्म हो गया, तो पहले सोच सकता है वो,
जब तक क्रोध है काम वासना है वो सोच ही नहीं पाएगा, उसी में बेहतर रहेगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मैं उसी को पंडित मानता हूँ, उसी को बुद्धिमान मानता हूँ, क्योंकि वो पहले सोच सकता है कि ये सही काम है गलत काम है, किसी ने मुझ पर गुस्सा किया मुझे क्या उस पर गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सोचने की एक पोजीशन में है। ऑर्डिनरी आदमी सोचने की पोजीशन में नहीं होता। तो कृष्ण कह रहे हैं वो बुद्धिमान है। फिर कृष्ण कह रहे हैं त्यक्त्वा कर्माफला संघम, इस तरह से अगर तुम जियोगे, इस तरह से काम करने से पहले तुम्हारा भोग का संकल्प नहीं होगा, हर काम में कृष्ण की प्रीति के लिए कर रहे हो, सोच भी रहे हो और कर भी रहे हो, तो क्या होगा? तक त्यक्त्वा कर्माफला संघम, तो कर्म के फलों से असंग हो जाओगे। कहने का मतलब है कि निरासक्त हो जाओगे सारी चीजों से, आसक्ति नहीं होगी। जहां आपकी इच्छा है, मतलब एक डिवोटी क्या कर रहा है, अब आप वेल डिवोटी भोग की वासना से शुरू नहीं कर रहा है, नहीं सेवा वासना से कर रहा है भगवान की प्रीति के लिए, तो उसका फल क्या, कोई पूछेगा क्या फल है, क्या होगा इससे? कर्म फल असंगम, कर्म के फलों से निरासक्त हो जाएंगे। या यूं कह लीजिए कि कोई आप कुछ काम करोगे उसका रिजल्ट तो आएगा ही ना, सेवा करोगे उसका भी रिजल्ट आएगा, मगर एक डिवोटी उससे डिटैच्ड हो जाएगा, निरासक्त होगा, भी हमने सेवा कर दी बाकी तो भगवान के ऊपर है, उसका फल क्या हो गया, है नहीं, भी हमने तो सेवा की मगर उसका फल आया नहीं कुछ। मान लीजिए आपने आपने मान लीजिए आपने झाड़ू मारी, क्लीन किया, बहुत अच्छा किया संडे प्रोग्राम के लिए, और आंधी आ गई, सब गंदा हो गया, नहीं आया फल, तो डिवोटी को क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं, ठीक, डिवोटी डिटैच्ड है, ठीक है मैंने अपनी सेवा कर दी, अब आंधी पे तो कंट्रोल ही नहीं हमारा, ठीक है आ गई, अब दोबारा से करते हैं और क्या है। मगर प्रॉब्लम यह है अगर आप फल से आसक्त हो जाओगे, आंधी आ गई तो परेशान हो जाओगे, अरे मैंने इतना किया था इतना नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं वल्लभदेनगर में था, वहां पे महाराज थे और हम सब डिवोटीज थे, तो कुछ डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, तो उनकी एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, पूरे दिन लगे पड़े रहे, फेस्टिवल था, और जो एक दूसरे डिवोटीज आए थे पता नहीं पुणे या बॉम्बे से कहीं से, तो उनकी बहुत सारी हो गई, तो डिवोटीज आए मुंह लटका के कि महाराज कुछ भी नहीं हुई, तो मनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने प्रयास किया ना सेवा की, फल आया नहीं आया वो भगवान के हाथ में, तुमने सिंसियरली सेवा की तो डिस्टर्ब मत हो। तो जब जब फलों से आसक्ति होती है तो आदमी और फंसता है, फिर है नहीं, और फंसता है, भैया आपने झाड़ू मारी, संडे प्रोग्राम शुरू हुआ, 5 मिनट पहले आंधी आ गई, आप परेशान हो गए, भाई आंधी आ गई गंदा हो गया, अब क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा, 10 लोग आए उनको भी डिस्टर्ब कर दिया, गंदा हो गया, साफ करो, कैसे होगा क्या नहीं होगा, परेशान हो गए, मैंने इतना कुछ किया था, यू सी द पॉइंट, और खराब हो गई चीजें। फल से आसक्ति होने से आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं सोच पाओगे, इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं वे आप परेशान हो गए, फिर आप ये नहीं सोच पा रहे कि 5 मिनट में मैं क्या करूं, समझ गए, आपका माइंड ब्लॉक हो गया, या आपने बहुत मेहनत की और फिर मेहनत करने के बाद आपने आप एग्जाम में पास हो गए, मतलब फॉर एग्जांपल 12th का बोर्ड आया, आपने मेहनत की और टॉप कर गए फॉर एग्जांपल, तो खुशी होगी, बहुत खुश हो गए आप, फल क्या आया, खुशी आई ना फल उसका, आप पास हो गए, फल आ गया और आप उससे आसक्त हो गए, ओके यस, और फिर आपके दिमाग में चढ़ गया वो कि मैं टॉप किया हूं, बड़ा मजा आ रहा है, टॉप टॉपर बन गया मैं, यू नो लाइक, ठीक है दैट्स ओके, तो उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फिर आप उस खुशी में और पढ़ना छोड़ दोगे, मैं तो टॉप कर गया बस, अब क्या जरूरत है, बाय द सेम टाइम उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपने पढ़ना छोड़ दिया और बस आप टॉप कर गए, आपको जो भी मिल गया, जो भी आपको जॉब मिल गई, जो भी मिला, जो भी आपको करना है, जो भी आपने किया, पढ़ना छोड़ दिया और फिर आपकी नॉलेज आपने लेना बंद कर दिया, आपकी नॉलेज लिमिटेड हो गई, वहीं रुक गई,
ऐसी होता है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि कोई भी सेवा अगर तुम मेरे लिए करोगे, केवल मेरे लिए, तो उससे निरासक्ति आ जाएगी। पहली बात, चीजों से निरासक्त हो जाओगे, संसार से निरासक्त हो जाओगे, सेवा का जो फल है उससे निरासक्त हो जाओगे। आसक्ति से क्या होता है, डिस्टर्ब होते हैं, नहीं आसक्ति, जहां आसक्ति है वहां डिस्टर्बेंस है, जहां निरासक्ति है वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर आपके पड़ोसी के बच्चे को मारेंगे तो डिस्टर्ब होगे नहीं होगा? अगर आपके बच्चे को मारेंगे तो क्यों, क्योंकि आपका है, आसक्ति है ना, जहां आसक्ति है, जितनी आसक्ति है उतना डिस्टर्बेंस है बस। अगर आपके, अगर आपसे अगर 1000 रुपए छीन ले, चोरी करके ले जाए, मतलब स्टेशन पे गए, जेब में 10,000 रुपए लिखे हैं, गायब, बस भीड़ होती है ना स्टेशन में, तो आप जितने आ सकते हो उतने डिस्टर्ब हो गए, मेरे पैसे 10,000 रुपए कहाँ चले गए। कुछ लोग नहीं होंगे जो डिवोटी हैं, जिसने दिया था उसने ले लिया, क्या करें, चलो अब ये देखो भैया कहीं और पैसे पड़े हैं, नहीं बिना पैसों के ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, वो तो चले गए, अब ट्रेन में भी तो चढ़ना है, थोड़े पैसे तो होने चाहिए, तो वो अरेंज करो। सी बहुत फर्क है अप्रोच में। इसलिए कृष्णा कह रहे कर्म के फलों से निरासक्त जाओगे, मतलब दूसरे शब्दों में कि डिस्टर्ब होना खत्म हो जाओगे, तुम्हारा माइंड एब्सोल्यूटली शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा तुम्हारा मन, प्रोवाइडेड तुम सारा काम मेरी प्रीति के लिए कर रहे हो बस। तो मैकेनिज्म बता रहे हैं कृष्णा, मेरी प्रीति के लिए करो तो क्या होगा, निरासक्ति होगी फलों से, फलों से निरासक्ति होगी तो डिस्टर्ब होना बंद हो जाओगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं नित्य तृप्तो, नित्य तृप्त हो गए, है नहीं, जैसी आसक्ति खत्म हुई वैसे क्या आ गया, तृप्त हो गई आत्मा बस, नित्य तृप्त। नित्य एक्चुअली तृप्त नहीं कह रहे कृष्णा, कह रहे नित्य तृप्त। क्यों कह रहे नित्य तृप्त, क्योंकि तृप्ति तो चलो संसार में भी मिलती है, आपको बहुत गर्मी आई, आपने आके ठंडा ठंडा लाइम जूस पिया तो तृप्ति हो गई, नहीं मतलब होता है, मगर वो नित्य तृप्ति नहीं है, वो क्या है, अनित्य तृप्ति। ये नित्य तृप्ति है हमेशा के लिए शांत, कोटि चंद्रा सुशीतला, दैट काइंड ऑफ तृप्ति आप एक्सपीरियंस करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, मृत्यु भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, वो तो छोड़ दो। ये जो ये ऐसी चेतना बहुत मुश्किल है आना, नहीं क्योंकि हम तो छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए पता है उल्टा भी चल सकते हो, अगर आप जितना आधा डिस्टर्ब हो रहे हो उतनी आधा आ सकते हो, देख लो आप उतनी आधा आ सकते हो आप चीजों से, आप झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से कि प्रभु जी मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब, मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूं, मतलब सॉरी मुझे तो बिल्कुल आसक्ति नहीं है, कहते हैं ना डिवोटीज ये, हम तो देखो हमें तो कोई आसक्ति नहीं है, वेल देखते हैं उसका टेस्ट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, डिस्टर्ब होना। सो ऐसा मुझे बताओ, अगर मान लीजिए किसी डिवोटी ने आपको कुछ बोल दिया आप डिस्टर्ब होगा, इसका मतलब क्या है, हो ही जाते हैं लोग, इसका मतलब क्या है, नहीं आसक्ति कहाँ है, इसका मतलब अपने आप से आ सकते हो आप, देख रहे हो आप, देख लो इसे डायग्नोज हो जाता है, किस चीज से डिस्टर्ब हो रहे हो उसे डायग्नोज हो जाता है कि किससे कहां आ सकती है। इसलिए भगवान ने संसार में डिस्टर्बेंस बनाई है, इसलिए भगवान ने अनेक चीजें बना दी जिससे आप पूरी तरह डिस्टर्ब, तभी तो दुखालयम बनाया है, तभी दुख बनाया है, जिस जहां से दुख आएगा जैसा दुख आएगा उससे आप पता लगा सकते हो आसक्ति कहां है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, दुख मतलब डिस्टर्ब ही एक ही बात है, मन का दुख हो गया, अगर दूसरा व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है, दुख दे रहा है, इसका मतलब है और आप हो गए, तो इसका मतलब अपने से आ सकते हो, सिंपल सी बात है, दैट्स ऑल। सो भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, दुख बना के ना कारण है, दुख बनाया है कि हमारा, क्या कहते हैं उसको, दुख एक आयना है,
जिसमें आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी कि मैं कितने पानी में हूं। इसलिए भगवान ने दुख बना रखा है संसार में। सो नित्य तृप्त, यस, आप हमेशा के लिए तृप्त हो जाओगे। और नित्य तृप्त हो जाओगे तो क्या होगा, निराश्रय, तो संसार का आश्रय छोड़ दोगे। किसका आश्रय आ जाएगा, भगवान का आश्रय। जब डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे, भगवान को भूलोगे नहीं, भगवान को नहीं भूलोगे, हो गया बस, दैट्स ऑल, नहीं भूलोगे, उसको कहते हैं निराश्रय। कृष्ण कह रहे हैं इट्स सो नाइस, आप देख रहे हो ये सारे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, स्टार्टिंग ठीक की है। हरे कृष्ण, लो स्टार्टिंग हो गई अंधेरे की। What's this? सुनाई दे रही ना, बस मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं मतलब मैं आपको नहीं देख पा रहा, आप सो रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, सुन रहे हो, ठीक है बिना देखे ना बोला नहीं जाता, शक्लें, एक्सपीरियंस, एनी वे, सो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया, लो हाँ, सब कुछ, ये सारी चीजें कहाँ क्यों मिली हैं, इसको ऐसे रख दो, ऊपर करके, ऊपर ऊपर लाइट कर दो, ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दो, हाँ हाँ, बस बस बस, अब ठीक है। सो इतने सारे हमें रिजल्ट, निराशक्ति मिली, नित्य तृप्ति मिली, आश्रय मिला भगवान का, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, स्टार्टिंग ठीक की। स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी खेल में, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है। शुरुआत अगर आपकी अच्छी होगी, कहते भी नहीं है क्या कहते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन, बस। तो हम ही गलत खेल शुरू करेंगे तो आप लिपट जाओगे खेल में, कहीं से कहीं गाड़ी पहुंच जाएगी, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हर चीज में काम करता है, ये हर चीज में, मतलब ये आपका किसी एक्शन में भी काम करेगा, है नहीं, किसी क्रिया में आप शुरू कर रहे हो, सेवा में भी, किसी रिलेशनशिप में भी काम करेगा, ह्यूमन रिलेशनशिप में, या किसी भी सब्जेक्ट में भी काम करेगा, मैथ, फिजिक्स, किसी में भी काम करेगा। मैथ्स में शुरू में गलती कर दो, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे रिजल्ट। फिजिक्स में भी काम करेगा, आप ग्राफ थोड़ा सा इधर से उधर कर दो, कहीं और ही पहुंच गया वो टेंजेंट, यही होता है, सब में काम करता है। और बाद में इतनी चीजें उलझ जाती हैं कि गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं बिगनिंग सही करो, बहुत सोच समझ के करो, जो करना है, जो बोलना है, कर्मणा मनसा वाचम, जो भी काम कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, ध्यान से सोच के करना, क्योंकि पता नहीं कहां से कहां गाड़ी चली जाए, फिर रिटर्न नहीं होता वहां से, फिर आप कितनी कोशिश कर लो रिटर्न नहीं कर पाओगे, आप बहुत मुश्किल हो जाती है। सो क्योंकि चीजें उलझ जाती है ना। सो दैट्स अ ट्रिक, वो ट्रिक है, मगर जो ऑर्डिनरी आदमी इस पे सोचता ही नहीं, ऑर्डिनरी आदमी बिगनिंग में तो सोचता ही नहीं, पहले करता है फिर सोचना शुरू कर देता है, या तो डर से करेगा, है नहीं, डर से करते हैं ना जनरली हम लोग, और ऐसा हो जाएगा चलो कर देते हैं यार जल्दी से, डर से करते हैं हम, यहां विद रागा भैया, या तो हम शुरू करते हैं काम राग से, राग से मतलब अपनी अनकंट्रोल्ड इच्छाओं से, बिना सोचे समझे करते हैं ना, मेरा मन किया, अरे बड़ा मन कर रहा है जूस पीने का, जूस पीने का उसमें क्या प्रॉब्लम है, फ्रिज खोलो पी जाओ, अब प्रॉब्लम है ना, आपने बिगनिंग गलत कर दिया, आपने बिगनिंग सोच के नहीं की, आपने तो अपने बस अनकंट्रोल्ड राग से कर दी, विथ राग भय, कुछ लोग भय से करते हैं, डर से काम शुरू कर देते हैं, अबे यार वो मुझे कुछ कहेगा, उससे पहले कर दो, जल्दी से कर दिया आपने डर के मारे, नहीं ऐसा होता नहीं होता है, या मान लीजिए आप सेंटर में बैठे हो, पूरा गंदा है, तो मान लीजिए आपको पता लगा कि भी प्रभु जी आ रहे हैं, ओ भाई प्रभु जी आ रहे हैं, लो भाई डर के मारे ना साफ करके हो गया साफ, अब वो आपने काम तो कर दिया, मगर कैसे हुआ है, भय से,
नाउ दैट्स अ होल पॉइंट. वो बिना सोचे समझे हुआ है वो. तो वित राग भाई क्रोध, और कुछ काम हम कैसे करते हैं, क्रोध से कर देते हैं बिना सोचे समझे. तो जो ऑर्डिनरी आदमी तो ऐसे ही चलता है, मगर एक डिवोटी सोच के करता है. नाउ दैट्स अ होल पॉइंट बिगनिंग. कर्मण्य अप्रवृत्त अपि, अगर सब कुछ अगर अच्छी तरह सोच के करेंगे, ये सोच के करेंगे कि भगवान की प्रीति के लिए या अपने लिए, कोई भी एक्शन, कोई भी वचन बोलना, कि भगवान को और वैष्णवों को इसमें आनंद मिलेगा या नहीं, दैट्स द होल पॉइंट. वो अगर आप हमेशा सोच के चलोगे, ये एक प्रिंसिपल है जिससे आप हमेशा से भक्तों के साथ रह पाओगे. अगर आपने तोड़ा तो ना भगवान के साथ रह पाओगे ना भक्तों के साथ. देख लेना, देख लेना, टूट जाएंगी चीजें. तो भगवान के साथ ना रह पाओ, चलो वो तो फिर भी ठीक है, भक्तों के साथ नहीं रह पाए तो भाई आप बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. क्योंकि भगवान के साथ नहीं रह पाए तो ठीक है, भक्तों के साथ रहोगे तो भक्त भगवान के पास दोबारा से ले जाएंगे, चलो पहुंच जाओगे आप, ये ठीक है. मगर आप अगर भक्तों के साथ नहीं रह पाए तो फॉल डाउन निश्चित है, फिर कोई नहीं बचा सकता, इम्पॉसिबल है. सो भक्तों के रहने की टेक्निक यही है, यही है. हमेशा एक प्रिंसिपल सोचना चाहिए कि मेरे वचन से, मेरे कर्मों से और मेरे कर्मणा मनसा और विचारों से वैष्णवों को और भगवान को आनंद मिल रहा है या नहीं. बस हो सकता है वो बात, मतलब पता है हम लोग एज अ वैष्णव हम लोग सही गलत में नहीं सोचते हमेशा, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि इस बात से आनंद मिल रहा है नहीं मिल रहा है. हमारा पहला कंसर्न वो होता है, हमारा पहला कंसर्न सही गलत नहीं होता. वाइज आदमी वही है, कन्फ्यूशियस भी ये कह रहा है, कन्फ्यूशियस, सॉक्रेट्स भी ये कह रहे हैं. सबसे वाइज आदमी वो है जिसका पहला कंसर्न राइट रॉन्ग नहीं है, जिसका पहला कंसर्न है उससे वो व्यक्ति खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है, एटलीस्ट रिलेशनशिप्स में. रिलेशनशिप्स में, हाँ भाई जॉब में बात अलग है, उससे तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, वहां तो आप सही गलत पे चलोगे. रिलेशनशिप्स में, और सबसे ज्यादा रिलेशनशिप वैष्णव में नहीं होगा तो और कहां होगा. मतलब भक्ति तो रिलेशनशिप ही है, और क्या है, भक्ति तो और कुछ है ही नहीं. संबंध अविधय संबंध, पहला संबंध ज्ञान ही है अगर आपको कुछ पता है तो. थ्योरी वर्ड नहीं है रिलेशनशिप, क्या है पहला, क्या है संबंध जान रहे हैं. संबंध का मतलब क्या है, कृष्ण स्वामी है, मैं उनको नित्य दास हूं, हो गया, जान लिया. अब नेक्स्ट क्या है, अभेद है, नहीं जाना. क्योंकि हम यहां पर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, भगवान से हमारा रिलेशनशिप है, डिवोटी से, और बहुत गाढ़ा रिलेशनशिप है. और रिलेशनशिप में पहला प्रिंसिपल राइट रॉन्ग नहीं होता, अगर आपने अप्लाई किया गलत हो जाएगा, बेवकूफ हुआ. पहली चीज है क्या दूसरे व्यक्ति को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है. अगर अच्छे लगने के साथ राइट भी हो तो सोने पे सुहाग. मगर आप अच्छे लगने की कॉस्ट पे, आप मतलब राइट की कॉस्ट पे अच्छा लगना नहीं छोड़ सकते, वो तो खराब हो जाएगा फिर सब. सो दैट्स द होल, मतलब ये एक छोटी सी विजडम है, जो सीख लेगा वो भक्ति यूं कर जाएगा, यूं वो भक्तों के साथ भी रह लेगा, पूरी लाइफ रह लेगा वो. अब भक्तों का रह लिए तो आधा काम, मतलब आधा काम, 80% काम तो ऐसी हो गया, भक्ति तो यूं हो जाएगी, है नहीं, ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं. मतलब ये एक छोटी सी चीज है मगर किसी को समझ नहीं आती है. मतलब आप कहीं भी चले जाओ इस्कॉन में, कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, ये दिमाग में फिट करना बहुत मुश्किल है. इसलिए हो सकता है आप गलत भी हो, मगर अगर दूसरे डिवोटी को, अगर आप सही भी हो और अगर दूसरे डिवोटी को आपको, अगर आप बोलो कि प्रभु जी मैं गलत हूं मुझे माफ कर दीजिए, जो उसको अच्छा लग रहा है इसमें बोल दो. क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमारा पहला कंसर्न क्या है, डिवोटी और कृष्ण को सुख मिलना चाहिए, है नहीं. तो ठीक है, हम बोल देते हैं, हमें पता है कि हम 100% राइट है, हमें पता है, नहीं बोल देते हैं, कोई नहीं, दैट्स ओके, यू नो आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी.
तुम खुश हो, ओके खुश हो, दैट्स ओके, तुम खुश हो, हम खुश हैं। इसी को प्रेम कहते हैं, नहीं कहते हैं, मुझे बताओ, और प्रेम क्या होता है मुझे बता दो। प्रेम करने को ही बोला है ना, भक्तों से और भगवान से, और क्या है, और क्या क्या यहाँ पे क्या आचार डालने आए हम, है नहीं। मतलब एक्चुअली मैं इसलिए बोल, मेरी कल कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी, वो माता जी ने मुझसे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि यूनिवर्सल क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा था उस पर, तो फिर मैंने, चलो ये श्लोक तो आ ही गया, तो मैं इस पर पढ़ रहा था, तो मैंने उसको यही आंसर बोला फिर, एंड शी वॉज हैप्पी। एक्चुअली उसने मुझसे बोला कि एक्चुअली एक दिन पहले वीर कृष्ण महाराज से भी बात हो रही थी, एक महाराज है अमेरिका में, तो कहती प्रभु जी एग्जैक्टली उन्होंने सेम आंसर दिया, दो क्वेश्चन से एग्जैक्टली। तो मैंने कहा चलो थैंक यू फॉर दैट, कि मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा आंसर भी ठीक है, क्योंकि आई मीन टू से मैं कुछ बोल रहा हूँ बाय द सेम टाइम और भी साधु बोल रहे हैं, सो उनकी भी रियलाइजेशन वहाँ तक जाती है, हमारी भी जा रही है, सो दैट्स द होल पॉइंट। ओके, तो भगवान के साथ भी ऐसा ही है, इसलिए भगवान परीक्षा भी लेते हैं कभी कभी, भगवान गलत बोलेंगे आप देखना, और आपको समर्थन करना पड़ेगा, आप देख लेना। वे जो डिवोटी थे ना एक, कौन थे वो, कौन थे यार, मेरे दिमाग में पिक्चर तो आ गई है, नाम भूल गया मैं, पुरंदर दास। तो पुरंदर दास जो थे वो एक्चुअली अच्छे सिंगर थे, सिंगर बहुत अच्छे थे, तो अपने सिंगिंग करते थे, तो वहां पे एक डिबोटी थी, एक और औरत थी, मतलब वो अपना सिंगिंग करते थे, तो रात को एक औरत जाती थी उनके सामने सज धज के, पड़ोसी, तो कह रहे थे, सोचते वैश्या है, रात को सज धज के जा रही है, मतलब पूरा सज के, तो उनके माइंड में आ गया मतलब गंदी गंदी औरत होगी, कहां जाती है, रोज चली जाती है ना, इसको कोई हस्बैंड है तो गड़बड़ी है, तो वो अपना दूर रह के, भैया जब भी जाती थी अपना अपना मुंह उधर करके, हरे कृष्णा अपना, ठीक है भैया, तो रोज आती सुबह आती थी, तो अब आप किसी भी चीज को रोज देखते रहो तो जिज्ञासा तो आई जाती, जा कर रही है ये तो पता लगाए, तो उसने कहा आज फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करते करते गए, तो वो मंदिर में गई, मंदिर में अगर रही है तो वो भी चले गए और छुप गए, वो उन्होंने कहा देखता हूँ क्या कर रही है, चोरी वोरी तो नहीं कर रही है, मतलब क्या ये, तो वहां पे फिर उसने गाना शुरू किया, उसके पास वीणा थी वहां मंदिर में, उसने ली, उसने गाया सुंदर सॉन्ग, भजन गाया, गाती रही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और वहां पे भगवान प्रकट हो गए, और भगवान नाचने लगे उसके सॉन्ग पे, और वो गा रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे भक्ति से, गा रही है, भगवान नाच रहे नाच रहे नाच रहे, तो भगवान ने नाचना बंद कर दिया, भगवान ने कहा अब तुम नाचो, मैं बचाऊंगा वीणा, तुम नाचो। तो विट्ठल जी थे पुरंदर दास, तो उसने गाना शुरू किया, भगवान ने बजाना शुरू किया, डिंग 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 डिंग, वो बैठा हुआ था सुन रहा था, तो भगवान ने गलत बजाना शुरू कर दिया, बीच में गलत सुर डाले, मतलब बीच में जानबूझ के गलत गलत कर दिया, गलत किया, वो नाचे जा रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बहुत एक्सपर्ट सिंगर थे पुरंदरदास, उनका दिमाग खराब होने लगा, उन्हें कहा अबे तो सुर ही गलत है, पूरा ही गलत था, जहां स लगाना है वहां पे नी लगा रहे हैं, जहां नी लगाना है वहां पे र लगा रहे हैं, पूरा ही उल्टा फुल्टा हो गया, पूरा ही गड़बड़ हो गया, वो नाच रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना स्टेप्स करती जा रही है, ये परेशान। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, ये तो पूरा ही गलत हो गया, ये तो उसे टॉलरेट नहीं हुआ, बीच में उन्होंने कहा बंद करो भगवान को ही, भगवान चुप हो गए, तो वो भी उसने भी डांस बंद कर दिया, और भगवान चुप हो गए, गायब हो गए वहां से गायब। तो वो जो डांसर थी वो रोने लगी, तो उसने कहा तुमने क्या कर दिया, भगवान आए थे, भगवान प्रकट थे, और तुमने गायब कर दिया, तुमने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया, तुम तो घटिया आदमी हो, तुम कहां से भक्त हो, ये हो वो, उसको बहुत डांटा उसने,
तो उन्होंने कहा तुमने भगवान के प्रति क्या, तुमने तो मेरे प्रति, तुमने तो वैष्णव मुझे भी दुखी कर दिया, मैं तो भगवान की डिवोटी, मैं तो, मेरे को एक सेवा मिली थी तुमने वो भी छीन ली मुझसे, और आज तो मैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था, तो बहुत दुखी हुए वो कि मैंने क्या कर दिया। और फिर उन्होंने फिर भगवान के लिए फिर गाना शुरू किया, बहुत रोए और एक दो घंटा गाया, रोए रोए, उन्होंने कहा भगवान माफ़ कर दीजिए, वहाँ पर गाने गाए, वो गाने रिकॉर्डेड हैं पुरंदर दास के। और फिर भगवान प्रकट हुए वहाँ, और फिर भगवान ने बोला पुरंदर ये जो है ना, ये जो स्त्री है, तुम इसको अपना गुरु बनाओ। और इसे बात है क्योंकि ये तुम्हें सिखाएगी भक्ति क्या है। मैंने जानबूझ के गलत बजाया था, मगर तुम इसको देखो, ये तो नहीं रुकी डांस करना, और तुम परेशान हो गए क्योंकि तुम्हारे इसमें ये अंतर है, तुम सही गलत में बात कर रहे हो। इसका कंसर्न क्या था, मेरी प्रीति बस, मेरा आनंद, चाहे मैं गलत बजा रहा हूं, अगर उसको पता है, अगर मुझे मजा आ रहा है इसमें तो बजाने दो, उसमें उसको मजा आ रहा है, वो डांस कर रही है, सो कोई मतलब नहीं था उससे। तुम इसको अपना गुरु बनाओ, फिर नरदास ने फिर इसको अपना गुरु बनाया। नाउ दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो कर्मण्य अप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। अगर कोई ये छोटी सी टेक्निक समझ आता है, स्टार्टिंग सही कर दो, अगर आप कृष्ण प्रीति अर्थम, वैष्णव प्रीति अर्थम, तो अपने आप ही निराशा, डिस्टर्ब होना बंद हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, भगवान के आश्रित हो जाओगे। और कर्मण्य प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स, कर्म से, कर्म करते, सेवा करते हुए भी नैव किंचित करोति स, आप सेवा करते हुए भी उस, वो काम करते हुए भी उस काम में फंसोगे नहीं। मतलब आप सेवा करोगे, सेवा करोगे, मगर उसका गलत फल नहीं आएगा, उसमें फंसोगे नहीं आप। मतलब एक पर्टिकुलर सेवा, सेवा तो बहुत सारी हैं, उस सेवा का टारगेट है भगवान में, भगवान से, भगवान में आपकी आसक्ति हो जाएगी, आप सिर्फ उसमें खो नहीं जाओगे, दैट्स द होल पॉइंट। या दूसरी, या और, या आप ये भी कह लो कि आप सेवा करते हुए अगर आप भोग की इच्छा रखोगे तो कर्मों के चक्रों में फंस जाओगे, आप पापुण्य में फंस जाओगे, फिर कर्म के फल आ जाएंगे आपके ऊपर, देख लेना, आ जाएंगे आप पे, आप फंस जाओगे उसके अंदर। अगर संकल्प गलत होगा तो आप फंस जाओगे कर्मों के फल में, पाप पुण्य में, पाप पुण्य आएंगे तो आसक्ति होगी, डिस्टर्ब हो गए, पागल हो गए, और क्या होगा, वही तो डिस्टर्ब करते हैं, और क्या होगा, फंसोगे नहीं, आपकी सेवा एब्सोल्यूटली प्योर रहेगी। जैसी उसमें कोई भी भोग वासना आएगी, आप अपने लिए कर रहे हो, भगवान की प्रीति भूल गए, वैष्णव की प्रीति भूल गए, तो वहां पे फिर पाप पुण्य शुरू हो जाएंगे आपके, और फिर उसमें फंसते जाओगे आप बस। सो दैट्स द होल पॉइंट। कल मैं आगे पढ़ूंगा, बट आई विल स्टॉप हियर। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, आई एम डन हियर। दो ये श्लोक पढ़ लेना, बहुत अच्छे श्लोक हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली 19th। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितम, वेरी नाइस वर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट मतलब इंस्ट्रक्टिव, क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत इंस्पायरिंग भी है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछ सकते हो। कौन बैठा है? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो 4:19:20 फाइन। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।